दिक्कत ये था कि ये जो लॉक जो है वो अंदर बैठ गया था, उसका टूट गया था, इसलिए पूरा निकालना पड़ा और उसके बाद से इसको लगा रहे हैं। तो सर इसको लगा के और दोबारा प्रिंट करके दिखाइए हमें। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटर रिपेयरिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रिंटर है जो कि लेजर जेट का प्रिंटर है, और इस प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे दिनेश सर हैं जो कि प्रिंटर की क्लासेस कराते हैं, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो है हमारा वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए। प्लस अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्स करना है, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, प्रिंटर रिपेयरिंग का, सीसीटीवी रिपेयरिंग का या कंट्रोलर रिपेयरिंग का, तो उसका जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। तो आप जो भी नंबर दिया हुआ है उस पर नंबर पे कॉल करके डेमो क्लास ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं और कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक में सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा वो प्रिंटर से रिलेटेड। आपको पता है कि इस टाइम के अगर बात करें तो इस टाइम जो है प्रिंटर जो है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, ऑफिस की बात करें, घर में बात करें या बच्चों की पढ़ाई की बात करें, तो उसमें प्रिंटर बहुत जरूरी होता है। और प्रिंटर अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको 2000 से स्टार्टिंग में प्रिंटर मिल जाता है, 2000, 3000, 4000। और इस प्रिंटर में बहुत सारे दिक्कत आती है जो कि एक साल, दो साल, तीन साल चलने के बाद जो है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा जो है कंप्लीट जो है इसका बॉडी जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आता रहता है। तो इस टाइप के प्रिंटर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो ये जो है पूरा स्टेप हमारे दिनेश सर बताएंगे कि हमारे पास ये जो प्रिंटर आया हुआ है इसमें जो दिक्कत है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे प्रिंटरों में, हर एक सीरीज के प्रिंटर में आता है। और अगर हम मार्केट में ले जाते हैं जो प्रिंटर रिपेयर करते हैं उनके पास दिखाते हैं तो 2000, 3000, 1500 रुपये मांग लेते हैं, लेकिन ये 5 मिनट का काम है, और ये खुद आप देख के इस वीडियो को आप वो कर सकते हैं। तो सर, दिनेश सर, इसमें क्या दिक्कत है और इसको कैसे रिपेयर करना होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रिंटर में प्रॉब्लम क्या आया हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मॉडल नंबर क्या है। मॉडल नंबर हमारे प्रिंटर्स का है एचपी लेजर जेट 1020। हमारे लेजर का प्रिंटर एचपी कंपनी का प्रिंटर्स है, लेजर है, जिसमें मॉडल नंबर एचपी लेजर जेट 1020। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसमें सेल्फ टेस्ट लेने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जिसे हम पहले सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीजों की यहाँ पर जरूरत होती है। नंबर वन जो मैं दिखा देना चाहता हूँ, नंबर वन पावर केबल, ये पावर केबल आप देख रहे हैं, नंबर टू डेटा केबल। ये दो चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दोनों चीज अगर अवेलेबल है तो आप इसे सिस्टम से अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे पावर कनेक्टर पर लगाया, सबसे पहले पावर ऑन किए। नंबर टू जो हम जहाँ पर यूएसबी केबल लगाएंगे यूएसबी पोर्ट पर, ये ओनली मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप से ही कनेक्ट हो सकता है। हाँ जी, अब इसके बाद में हमारे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप में भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे सिस्टम से हम कमांड देने जा रहे हैं। अब कमांड देने के बाद देखिए हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं जो हम आपको अभी तुरंत दिखाने जा रहे हैं लाइव। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सर जो है कमांड दे रहे हैं और उस कमांड देने पे क्या दिक्कत आ रहा है वो देखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए हमारे डेस्कटॉप पर सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पर है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा कंट्रोल पैनल नहीं है, अवेलेबल है। तो यहाँ एक सर्च ऑप्शन है जो आप सर्च ऑप्शन देख रहे हैं विंडो 10 में अवेलेबल होता है नीचे में। तो हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल टाइप कर देंगे जी। आप जैसे ही आप टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल, देखिए यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक कर लेना। कंट्रोल पैनल पर हम डबल क्लिक किए, अब कंट्रोल पैनल में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर प्रिंटर का भी आइकन बने हुए हैं। तो इस आइकन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जिस नंबर का हमारे पास प्रिंटर्स है वो सेम मॉडल का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एचपी लेजर जेट 1020। सर इससे पहले मतलब इसका ड्राइवर भी इसमें इंस्टॉल होना चाहिए? बिल्कुल, हमारा सेटअप अवेलेबल होना चाहिए तभी ये ड्राइवर शो करेगा, अन्यथा अननोन दिखाएगा। तो सर इसके बाद जो वीडियो आप बनाएंगे इसमें आप बताएंगे कि प्रॉपर कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं,
कुछ हम ऐसा नहीं है कि हम ये जो वीडियो है ये टेक्निकल के लिए ही है, जो टेक्नीशियन है उनको तो ये सब आता ही है, लेकिन हम जो अननोन बंदे हैं कि जिनके पास एक प्रिंटर लेके आते हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, उस पे हम टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं कि उनको बेसिक से एक एक चीज के एक एक टॉपिक को हम लेके चले कि अगर उनको ये कनेक्टिविटी करना है तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कैसे ड्राइवर डालना है और कैसे उसको सही करना है। तो हम यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है एचपी लेजर जेट 1020, इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा प्रिंट प्रॉपर्टीज, प्रिंट प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नीचे में, देखिए लिखा प्रिंट टेक्स्ट पेज, प्रिंट टेक्स्ट पेज पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रिंट टेक्स्ट पेज पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल पैनल पर लगी हुई दोनों एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर दिए। लेकिन देखिए पेपर पाथ में पेपर मूवमेंट हो रहा है लेकिन कोई पेपर पिकअप नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेपर पिकअप नहीं हो रहा है तो पेपर पिकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि हमारा क्या टोनर कार्टेज लगा है या नहीं, या पिकअप रोलर में मूवमेंट हो रहा है नहीं। देखिए क्योंकि एरर एलईडी आपको क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा है और साथ में यहाँ पर भी कुछ एरर लिखा हुआ आगे डिस्प्ले पर भी एरर लिखा हुआ आगे, एचपी लेजर जेट 1020 इज आउट ऑफ पेपर या मिस, क्योंकि पेपर पिकअप हो रहा है लेकिन मिस कर रहा है जी, पेपर पिकअप प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अब इसे कैसे सही करेंगे वो भी हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, टोनर कार्टेज को इसमें बाहर निकालेंगे, ये टोनर कार्टेज जो लगा हुआ है, इस टोनर कार्टेज को हमने इसे इजेक्ट कर लिया। इजेक्ट करने के बाद इस पिकअप रोलर को हमें सबसे पहले देखना है, तो उसको सर निकालना होगा। हाँ बिल्कुल निकालना होगा, अब इसके साइड से दोनों साइड के क्लिप को प्रेस करना होगा। ओके, ओके। और इसे हम पिकअप रोलर को सबसे पहले इसे बाहर कर लेते हैं। इसके वजह से ये दिक्कत आ रहा है सर, इसके वजह से ये दिक्कत हो रही है। ओके। अब इसे पावर ऑफ करके फिर एक बार ऑन करते हैं। ओके। और इसे टॉप कवर सेंसर को यहाँ से प्रेस कर देंगे जिससे कि प्रिंटर में हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये टॉप सेंसर है। हाँ, टॉप कवर सेंसर। अच्छा, इसके वजह से जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ। अब देखिए इस पीपल का रोलर को मैं मूवमेंट करा रहा हूँ। हाँ। और इसे पोजीशन को फिट करूंगा, पहले सेट कर रहा हूँ। अच्छा। अब इसके बाद फिर पिकअप रोलर को मैं इसे लगाऊंगा। वो ऐसे ही सेट होगा सर जी। अब इसके बाद में हम इसे अगर सेट नहीं हो रहा तो हम इसे ओपन करेंगे, पहले खोल लेंगे, इसे हमें खोलना पड़ेगा साइड से, और साइड से इसे प्रॉपर इसे इजेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से पावर ऑफ भी कर देंगे, पावर केबल को डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद इस साइड से जो स्क्रू लगे इस स्क्रू को भी ओपन कर लेंगे। साइड कवर को हमने ओपन कर लिए। इसके बाद में इससे फ्यूजर यूनिट का कवर है और टॉप कवर दोनों को एक साथ में ही ओपन कर लेते हैं। ये फ्यूजर यूनिट का कवर है जी, और टॉप कवर भी साथ में लगा हुआ है, और ये बैक फ्लैप कवर है। अब इसके बाद में हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि वो जो है पिकअप यूनिट जो है उसको लगाने के लिए यहाँ से भी लग जाता है लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है, सही से नहीं लगता है क्योंकि इसके साइड से लॉक अभी मिसिंग दिखा दे रहा है, इसलिए हम इसे बाहर प्रॉपर निकाल कर इसे फिट करेंगे। अब जितने भी कनेक्टर्स लगे हुए हैं सभी कनेक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हमारे सेंसर कनेक्टर्स हैं, थर्मिस्टर कनेक्टर्स हैं, फ्यूजर यूनिट का कनेक्टर्स हैं, सभी कनेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये साथ में ग्राउंड का कनेक्टर्स है, इस कनेक्टर्स को भी ओपन कर लेते हैं। ये ग्राउंड का कनेक्टर अगर ना लगा हो प्रॉपर सही से तो इससे क्या दिक्कत आएगा सर? इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपका आएगा कि पेज तो पिकअप होगा लेकिन बिल्कुल ग्राउंड उसका बैकग्राउंड ब्लैक आ जाएगा सर। अच्छा, जो प्रिंट हो रहा है ना प्रिंट पर एकदम इस पर लिखा हुआ एकदम ब्लैक ब्लैक आएगा सर। अच्छा, पूरा बैकग्राउंड जो आएंगे इसके ब्लैक आएंगे सर। अच्छा,
हाँ ग्राउंडिंग ले लेता है, जिसमें हम ग्राउंड को पहले वायर को हम चेक करना होता है, फिर इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पोल होता है, उस पोल को भी चेक करते हैं जो हमारे टोनर कांटे से जुड़े होते हैं, जो यहाँ पर दिखे, ये देखिए दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, जो हमारा डीसी पावर होता है डीसी पावर से जाकर जुड़ जाते हैं, नंबर वन नंबर टू जो हमारे टोनर कांटेज होते हैं, जैसे टोनर कांटेज हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट बने हुए हैं, इन दोनों पॉइंट से जाकर टच होते हैं, तो सबसे पहले हमें टोनर कांटेज चेक करते हैं, फिर वहां से चेक करते हैं, फिर थर्ड हमें ग्राउंड के वायर को चेक करना होता है कि वायर प्रॉपर कनेक्टिविटी में है, वायर की सर कनेक्टिविटी कहाँ से होती है, देखिए बॉडी से मतलब पावर सप्लाई में जुड़ा हुआ है, पावर सप्लाई से जुड़ कर फिर हमारा यहाँ पर आया हुआ है सर, फिर इसे हम कनेक्टिविटी में कर देते हैं यहाँ पर, ये जब ये कनेक्टिविटी में यहाँ पर आ जाता है तो ये आ जाता है हमारा ट्रांसफर रोलर, देखिए देखिए सर यहाँ पर ट्रांसफर रोलर लगा हुआ है, इस ट्रांसफर रोलर के ऊपर आ जाएगा, ये हमारा पिकअप रोलर होता है, और इस पिकअप रोलर के साथ में ये जो जुड़े हुए देख रहे हैं इसे बोलते हैं सप्रेशन पैड, इस सप्रेशन पैड का काम होता है पेपर को वन बाय वन लिफ्ट कराना, और इस पिकअप लोड के द्वारा ही वन बाय वन लिफ्ट होता है, तो देखिए कैसे हम इसे लगाना होता है, दोनों साइड के इसे कट में हम इसे फंसा लेते हैं, इस लॉक को आराम से इसे प्रेस कर देंगे, देखिए दोनों कट में जाके फंस बैठ चुका है, अब इसके बाद में अगर कभी बाई चांस आपको निकालना है तो दोनों साइड के लॉक को हल्का सा इसे प्रेस करना है, दोनों साइड के बाहर के साइड में जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये लॉक से बाहर आ जाएगा जी, ठीक है, लगाने के प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताया, दोनों साइड के लॉक में पहले बैठाना है फिर इसे कट में ऐसे बैठा लगा देना है, अब इसके बाद में जी अब यहाँ पर हम इस असेंबली को फिट करने जा रहे हैं, तो ये असेंबली है, इस असेंबली को हम यहाँ पर फिट करने जा रहे हैं, और ये दोनों साइड से असेंबली फिट हो गई, अब असेंबली लगाने के बाद में अब यहाँ पर छह स्क्रू लगे होते हैं, छह के छह स्क्रू को आपको हमें लगाना होगा साइड में, फ्यूजर यूनिट को कनेक्ट करते हैं इसके बाद में, आइस फ्यूजर यूनिट के ऊपर तीन स्क्रू हमें लगाना होगा, जितने भी कनेक्टर्स लगे हैं सभी वायर को प्रॉपर में सजाते हुए, और इस हीटर को कनेक्टर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ये ग्राउंड वाले वायर है, इस वायर को इस जगह से फंसाते हुए इस कट में होते हुए इस पॉइंट पर लाएंगे, और यहाँ पर इसके बाद वन बाय वन सभी कनेक्टर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या है सर, ये ट्रांसफर रोलर सर, इससे क्या दिक्कत आता है, पेपर के ऊपर ट्रांसफर करता है, इमेज को ट्रांसफर करता है, अगर इस रोलर को आप नहीं लगाते हैं तो इमेज तो पेपर के ऊपर छपेगा लेकिन छपने के बाद पूरे पेज काला हो जाएगा, बिल्कुल कार्बन की तरह काला हो जाएगा जी, अच्छा अच्छा बिल्कुल, इमेज भी आएगा साथ में बिल्कुल काला हो जाएगा, तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन रोलर है, या ब्लैक ब्लैक डॉट्स बहुत ज्यादा डॉट होंगे सर, ब्लैक ब्लैक जिस तरह से इस पर डॉट बने हुए हैं इस तरह से डॉट डॉट आपको पेपर के ऊपर इमेज बन जाते हैं, साथ में इसका इमेज जी, और इसके साथ साथ में ड्रम्स के ऊपर भी इसका इमेज डॉट डॉट से आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेपर्स के ऊपर बैकग्राउंड भी आना शुरू हो जाता है, ट्रांसफर रोलर भी लग गए, अब इसके बाद में हम रिले का भी कनेक्शन कर देते हैं, रिले के देखिए ये यहाँ से ऐसे, ये रिले का कनेक्शन जी सर, कनेक्टिविटी कर दिए, अब इसके बाद में इसके बाद में इस लॉक को भी फिट कर देते हैं, अब इसे हम ऑन करके देखना चाहते हैं, ऑन करके भी देखते हैं, इसको ऑन कर रहे हैं, और
सर जो आप पूछ रहे थे कि लगे लगे हम कैसे उस पिकअप रोलर को हम निकाल सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर देखिए इसे दोनों साइड के लॉक को ऐसे प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद ये लॉक से ये बाहर आ जाता है। जिसमें इसमें दिक्कत ये था कि ये जो लॉक जो है वो अंदर बैठ गया था, उसका टूट गया था जी जी, इसलिए पूरा निकालना पड़ा और उसके बाद से इसको लगा रहे हैं। तो सर इसको लगा के और दोबारा प्रिंट करके दिखाइए हमें। देखिए साइड में दोनों साइड से लॉक को हमने प्रेस किए, प्रेस करने के बाद बैठा है, देखिए लॉक भी हो गया। अब इसके बाद में हम फिर इसे कार्टेज यूनिट, जिसे हम टोनर यूनिट बोलते हैं, टोनर यूनिट को भी यहाँ पर लगा देते हैं और इस असेंबली को बैठा दें। अब सबसे पहले हम पेपर को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट तो हमारा पेपर के ऊपर ही आएगा, तो पेपर भी इसमें हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हमने इसे अब इसके बाद हम यहाँ से कमांड देते हैं प्रिंट टेस्ट पेज। हाँ प्रिंट टेस्ट पेज से हम यहाँ पे रेड एलईडी ब्लिंक कर रहा, आप दोनों एलईडी ब्लिंक करने लगा, आप इनिशियलाइजेशन मोमेंट भी स्टार्ट हो गया, कुछ देर में आपको पेपर पिकअप भी होगा और प्रिंट होगा, पेपर आउट होगा। देखिए पेपर पिकअप भी हो गया, टेस्ट पेज आ गया। आप टेस्ट पेज आएंगे कि यहाँ पे पूरा इसका जो मॉडल नंबर और सब कुछ जो है यहाँ पे ये दिखा दिया कि इसका जो सीरियल नंबर मॉडल नंबर ये सब कुछ जो है, कब प्रिंटर कितना पेज लिया है, सब डिटेल यहाँ पे आ गया। तो इसमें जो अभी जो दिक्कत था वो पिकअप रोल जो है वो पिकअप नहीं कर रहा था, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और पिकअप रोलर जो है वो ये सर बता रहे हैं कि ये जो है इसके वजह से ये टूट गया था और बैंड हो गया था, जिसके वजह से जो है पेपर नहीं ले रहा था और उसके वजह से उसके वजह से जो है ये दिक्कत आ रहा था। तो इसको निकाल के दोबारा पूरा खोल के और उसको लगाया गया प्रॉपर सही, उसको कनेक्टर को लगा के, तो ये प्रॉपर आपका पेज आ गया और ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी टाइप का हम जो है आपको रेगुलर बेस पे जो है वीडियो लाते रहेंगे, टेक्निकल वीडियो जो है। तो इसके लिए धन्यवाद।